रमेणी 36, ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई एक सयान सयान न होई, दूसर सयान को मर्म न जाना उत्पत्ति परलय रैन बिहाना, बनिज एक सबन मिलिठाना नेम धर्म संयम भगवाना, हरि ठाकुर तजियो न जाई बालह भीष्ट गावह दुल्हाई, ते नर कहाँ गए जिन दीन्हा गुरु घोट, राम नाम निज जान के छाड़ देह वस्तु खोट। ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, अज्ञानी बुद्धिमानों और सूक्ष्मदर्शियों इस बात को समझो कि एक सयान सयान न होई। जो तुम लोग ये कहते हो कि संसार में केवल एक सयान सत्ता एक तत्व की है, एक ब्रह्म की ही सत्ता है, तुम्हारा यह कहना सही नहीं हो सकता। कुछ लोगों की यह धारणा है कि संसार में एक ही तत्व की सत्ता है, अजर है, अमर है, अखंड है, सर्वत्र व्याप्त है, सर्वत्र परिपूर्ण है, और उसका नाम है ब्रह्म। नाम तो कुछ भी रख लीजिए आप, लेकिन साहब कहते हैं वह जो एक ही तत्व की सत्ता मानते हो यह सही नहीं है, क्योंकि यदि सत्ता केवल एक तत्व की है और सत्ता अखंड है, सर्वत्र व्याप्त, सर्वत्र परिपूर्ण है, तो गति, स्फूर्ति, क्रिया, संचालन, परिवर्तन, निर्माण, विनाश, यह सब कुछ भी संभव नहीं है। एक ही अखंड और ये अखंड, अक्रिय और सर्वत्र परिपूर्ण सत्ता में न क्रिया होगी, न गति होगी, न परिवर्तन होगा, तो निर्माण और विनाश कैसे होंगे फिर? अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम, निर्माण भी हो रहा है, विनाश भी हो रहा है, क्रिया हो रही है, गति हो रही है, परिवर्तन हो रहा है। संसार क्या है? संसार क्रिया, गति, संचालन, स्फूर्णा, परिवर्तन, निर्माण, विनाश, यह सब तो संसार है। अक्रिया न होती तो संसार होगा, होता कैसे? इसलिए किसी के अनुभव में ये नहीं आता है कि संसार में सर्वत्र एक तत्व की ही सत्ता है। प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहा है जड़ और चेतन दो अलग अलग, चेतन में भी एक नहीं है, वह असंख्य है, जड़ भी मिट्टी पानी आग हवा ये चार तो है ही, और इनके परमाणु एक नहीं है, असंख्य हैं। अब तो इन सबको को कैसे कहा जाए कि सब एक है? एक की सत्ता में दूसरे की उपस्थिति हो ही नहीं सकती है, प्रत्यक्ष ही सत्ता अनेक की है, तभी एक गति, सृष्टि, जन्मना, मरना, कहना सुनना, चलना फिरना, बंध, मोक्ष, ये सब हो रहे हैं, एक तो तम होंगे कैसे? इसलिए एक एक सयान सयान न हुई। यहाँ साहब संबोधित करते हैं, यहाँ भाई रे नहीं कहते हैं, या साधु भाई, सुनो भाई साधु नहीं कहते हैं, अद्भुतों को नहीं कहते, मुल्ला मौलवियों को नहीं कहते हैं, साहब कहते हैं ज्ञानी चतुर विचक्षण लोई, ज्ञानियों को साहब संबोधित करते हैं, चतुर बुद्धिमान, विचक्षण, बारीकी से किसी तत्व पर विचार करने वाले सूक्ष्मदर्शी, उन लोगों को साहब यहाँ संबोधित करते हैं कि अज्ञानियों, बुद्धिमानों और सूक्ष्मदर्शियों, यह कहना कि सत्ता केवल तत्व की है सही नहीं है, इस बात पर विचार करो फिर से, और इस धारणा को छोड़ो, क्योंकि सत्ता एक की होती तो संसार दिखाई ही नहीं पड़ता। दूसर सयान को मर्म न जाना उत्पत्ति पर ले रैन बिहाना, और जड़ चेतन ये जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ रहे हैं, इनसे अलग इनका संचालक जो ईश्वर की कल्पना कर ली गई है, उस ईश्वर का तो मर्म आज तक कोई जान ही नहीं पाया,
कहते हैं कि उस ईश्वर द्वारा ही उत्पत्ति और प्रलय होते हैं, रैन बिहाना दिन और रात होते हैं। यह भी ईश्वर के रहस्य को न समझना है। जड़ और चेतन के गुणधर्मों को समझ लिया जाए तो दुनिया के संचालन के लिए, निर्माण विनाश के लिए किसी अलग ईश्वर की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं होगी। जड़ चेतन के गुणधर्मों को लोग नहीं समझते, इसलिए एक थोप देते हैं ईश्वर ऊपर से। जब जड़ भी नित्य है, चेतन भी नित्य है और उनके गुणधर्म भी नित्य है, जड़ में स्वाभाविक गति है, चेतन ज्ञानवान है, जैसी क्रिया जैसा वो कर्म करता है नियमानुसार उसे अपने आप फल मिलता है, इसमें ईश्वर की क्या आवश्यकता। लेकिन लोग एक ईश्वर की कल्पना कर लिए और थोप दिए ऊपर में, कहते हैं कि जड़ तो ज्ञानहीन है, निर्जीव है, अपने आप क्रिया कैसे उसमें होगी। इसलिए जड़ में क्रिया उत्पन्न करने वाला, जड़ को गति देने वाला कोई ईश्वर तो चाहिए ही चाहिए। और जीवों को कर्म फल भोग देने के लिए और मोक्ष देने के लिए, संसार की व्यवस्था करने के लिए भी एक ईश्वर चाहिए। कोई भी जीव गलत काम करके उस गलत काम का फल भोगना नहीं चाहता, लेकिन जो काम कर लिया गया उसके संस्कार तो मिटेंगे नहीं, तो फल कौन देगा? भगवान देगा। भावुक बनकर ईश्वर को थोप दिया। पहली बात तो यह, जो कहते हैं कि जड़ तत्व तो ज्ञानहीन है, निर्जीव है, उसमें गति कैसे होगी? गति देने के लिए ईश्वर की आवश्यकता है, ईश्वर ही उसमें गति देता है। यह जड़ को समझना नहीं है। तथ्य यह है कि जो स्वाभाविक गतिशील है वही जड़ है। कोई भी जड़ द्रव्य बिना गति के, बिना क्रिया के रह ही नहीं सकता है। स्वभाव से उसमें गति है। ऐसा नहीं है कि भगवान कहीं बैठ करके हवा को ढकेलता है तब हवा चलती है। कहीं ले जाता होगा घसीटते घसीटते, जैसे कोई गाड़ी है नहीं चलती है तो घसीटते के थोड़ा ऊंचाई चढ़ दो, मार दो धक्का एक बार जोर से तो चाट हो जाते। ऐसा थोड़ा है भगवान कि हवा को खींच करके ले जाता होगा, धक्का देता तो बस शुरू हो जाती है दो चार छः दिन के लिए। थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा थर कर करके कहीं कभी लोटा में, कभी सुराही में, कभी मशक में भर कर भगवान ऊपर ले जाता है पानी को, अब जब समय होता है तब वहीं गिराता है। ऐसा थोड़ा है, तो स्वाभाविक उसके अपने गुणधर्म हैं, उनमें क्रिया है, योग्यता होती है तो पानी बरसता है, योग्यता होती है आंधी चलती, योग्यता होती है ठीक से हवा चलती है, समान हवा तो सब समय है ही। और कर्मों के अपने एक नियम है, उन नियमों के अनुसार हर जीव को अपने कर्मों का फल स्वयं मिलता है, तो इनके ऊपर ईश्वर थोपने की आवश्यकता क्या है? तो साहब यहाँ कहते हैं, दूसर सयान को मर्म न जाना, उत्पत्ति परलय रैन बिहाना। जड़ और चेतन से अलग इनके ऊपर एक ईश्वर की कल्पना करना और उसके द्वारा ही उत्पत्ति प्रलय दिन रात होना मानना, यह ईश्वर के रहस्य को न समझ पाना है। जड़ चेतन के भेद को भी नहीं समझ पाना है। जड़ चेतन के भेद समझ लिया जाए तो ईश्वर की कल्पना समाप्त हो जाएगी। बनिज एक सबन मिलिठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। सब लोगों ने मिलकर एक व्यापार ठाना और अनेक प्रकार के नियम धर्म संयम करके उस भगवान से मिलने का काम किया। जीव से अलग एक ईश्वर माना, अब मिले कैसे? ईश्वर से मिलेंगे तो पूर्णता होगी। तो साहब कहते हैं कि उस भगवान से मिलने के लिए नियम धर्म संयम का व्यापार
इन लोगों ने बना रखा है। भगवान के नाम पर कितने व्यापार चलते हैं। नियम का पालन करना चाहिए, धर्म सदाचार का पालन करना चाहिए, संयम से रहना चाहिए। नियम धर्म संयम का पालन करें तो अपने आप जीवन में शांति आएगी, जीवन में सुख आएगा। और नियम धर्म संयम का उल्लंघन करो तो अपने आप जीवन में दुख आना है, अशांति आना है। इसमें भगवान के कौन सा हाथ है। लेकिन अलग से भगवान मान करके उससे मिलने के लिए लोगों ने व्यापार ठाना है, व्यापार बना रखा है, नियम धर्म संयम अनेक प्रकार के कर्मकांड का। लेकिन लोग ये नहीं समझते कि बाहर से कोई भगवान मिलेगा तो छूट जाएगा, फिर वही हम खाली खाली रह जाएंगे। और साहब जो कहते हैं कि लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के एक व्यापार शुरू किया, तो देखो सुबह से लेकर किस प्रकार से मूर्तियों को जगा रहे हैं, नहला रहे हैं, खिला पिला रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, सुला रहे हैं। सुबह से शाम तक बड़े बड़े मंदिरों का व्यापार देखो तो कैसे खटकर्म है, कैसे कैसे भोग लगाए जा रहे हैं, कैसे कैसे के लिए कैसे प्रपंच खड़े किए जा रहे हैं। हद हो गया है, बड़े बड़े व्यापार और भगवान के नाम पर कहीं से ले आ एक मूर्ति, बस सड़क किनारे खड़ा कर दो, अब पीछे की जमीन को हड़प लो, चाहे पहले उसके पीछे दुकान चलाओ, चाहे जो कुकर्म करो, सामने भगवान पीछे शैतान। ये सब क्या है, भगवान के नाम पर व्यापार ही तो है। बड़े बड़े मंदिरों में जहाँ बड़ी बड़ी भीड़ होती है, कैसे कैसे अनाचार और अत्याचार होते हैं। इसी देख करके गोस्वामी जी ने कहा था कि सुर सदन तीरथ पुरे निपट पुकाज कुलाज, मनहु मवाद से मारी कली राजस से ही समाज। और भगवान भी कैसा, भगवान भी अपवित्र हो जाते हैं शूद्रों की छाया पड़ने से। भगवान के दरबार में ऐसे तो कहा जाता है कि भगवान दरिद्र नारायण हैं, लेकिन आज भगवान में दरिद्रों, आज भगवान दरबार में दरिद्रों का प्रवेश नहीं हो सकता, समृद्धों का प्रवेश, धनवानों का पैसा प्रवेश होगा। भगवान दरिद्र नारायण के दरबार में दरिद्र के लिए जगह ही नहीं है, सब जगह पैसा वालों के लिए है। आपका पैसा नहीं है, आप भगवान दर्शन नहीं कर सकते। पैसा है 200 रुपये 200 घूस पुरोहित को, बस रास्ता घुमा कर 2 मिनट में आपको कर दें। ऐसे ऐसे व्यापार है। समदर्शी भगवान के दरबार में जिन्हें अछूत कहा गया, शूद्र कहा गया, उसका प्रवेश नहीं है। और कहीं प्रवेश कर लिया तो भगवान अशुद्ध। कले प्रसंग अखबार में है, केरल के एक मंत्री, गुरुवायूर का मंदिर केरल में ही है, वहाँ गए थे अपने लड़के के मुंडन संस्कार करने के लिए। तो उसके मुंडन संस्कार करके आ गया, तब उस पूरे मंदिर को पवित्र किया गया, क्योंकि उसके जाने से वो मंदिर अपवित्र हो गया था। यद्यपि वो हिंदू है लेकिन ईसाई लड़की से शादी किया है, इसलिए वो अपवित्र हो गया है। उसकी पत्नी तो जा ही नहीं सकती थी ईसाई होने से। और वो ऐसे भी मंदिर भारत में हैं, चाहे कोई शूद्रों के छोड़ दे, ब्राह्मण स्त्री भी यदि मंदिर में प्रवेश कर गई तो मंदिर अशुद्ध हो गया। ऐसे ऐसे भी मंदिर हैं, भगवान है ना। तो ये सब क्या है, एक प्रकार व्यापारे तो है। अभी 2-4 महीना हुआ, कोई एक ईसाई पत्रकार या कौन जगन्नाथ के मंदिर में चले गए थे, तो प्रसाद बनाए थे, कई 1000 रुपये प्रसाद बनाए थे, सबको फेंक दिया गया कि अशुद्ध हो गया, वो भूखे प्यासे बैठे रहे चुपचाप, दो धाड़ियों से उन्हें भोग ही नहीं लगा। कैसे कैसे व्यापार चल रहे हैं, कैसे कैसे अनाचार, कैसे 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 कर्मकांड सब चल रहे हैं। साहब कहते हैं बनी एक सबन मिल ठाना, नेम धर्म संयम भगवाना। ये सब लोगों ने मिल करके भगवान के नाम पर अनेक प्रकार का व्यापार खड़ा कर दिया है। भगवान के नाम पर मंदिर बनते हैं, भगवान के नाम पर जमीन खरीदी जाती है, भगवान के नाम पर जागीर खड़ी की जाती है, भगवान के नाम पर दुकान किया जाता है,
भगवान के नाम पर सब कुछ किया जाता है जो संसार में होता है। हरीश ठाकुर तजियो न जाई बाले भी से गावे दुल्हाई। अब ये भगवान ये हरि ऐसा ठाकुर बन गया, ऐसा स्वामी बन गया, अब इसका त्याग करना बड़ा कठिन हो गया। एक बार इसकी कल्पना फैल गई समाज में, अब आप ईश्वर नहीं मानते तो आप नास्तिक हैं, आपको अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे लोग, कहेंगे ये भूला हुआ आदमी है, अधर्मी आदमी है। जहाँ पता चला कि आप ईश्वर नहीं मानते, लोगों की धारणा ही आपके लिए बदल जाएगी। अब बहुत लोग जानते भी हैं, अरे ये तो एक कल्पना ही है, लेकिन छोड़ना मुश्किल कि छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले परिवार वाले समाज वाले क्या कहेंगे। तो साहब को तो एक बार ईश्वर की कल्पना सिर पर सवार हुई, फिर इसका उतरना बड़ा मुश्किल। बाले ही बिहित गावे ही दुल्हाई। अब बहुत से भक्त लोग अब उसी बालक के समान बनकर भगवान के गीत गा रहे हैं, उसे रिझा रहे हैं, और कुछ लोग भगवान को अपना पति मानकर उससे मिलने के लिए गीत गा रहे हैं, कुछ लोग सामान्य भक्त बन करके गीत गाते हैं, कुछ लोग अपने भगवान की पत्नी मान करके उसको अपना पति मानकर उससे मिलने के गीत गा रहे हैं। लेकिन यह सब एक कुसंस्कार है, और इसका मूल क्या है, आप अपन पौ जानु न भेदा, अपने आप का भेद न जानना, अपने स्वरूप का भेद न जानना, वास्तविकता को न जानना, यही कारण है। भगवान इतना चापलूसी पसंद है कि उसके उसके खूब गीत गाओ की खूब प्रशंसा करो तब वही जाकर के खुश होगा, तब जाकर के वो दर्शन देगा, तब वो जाकर मुक्ति मत। इससे अच्छा तो आजकल के मंत्री लोग हैं, राजनेता लोग, कम से कम काम तो बना देता है भक्त ने, भगवान दर्शन दे ना दे, काम बना के ना बना, वो भी ठिकाना नहीं है। कैसे कैसे गीत बनाए हैं भगवान के खुश करने के लिए, कैसे कैसे एकदम दुनिया में कोई आदमी यदि ये कह दे भैया मैं एकदम दीनहीन हूँ, गरीब हूँ, लाचार हूँ, मुझ में कोई शक्ति नहीं, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मुझमें तो नत्य कुछ है ही नहीं है, कोई दम नहीं है, मैं बिल्कुल मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, मैं कामी क्रोधी लोभी मोही हूँ, किसी आदमी के सामने जा करके कहो तो लोग कहेंगे कैसे आदमी, ये पागल हो गया है। लेकिन यही मंदिर में जाकर कहो तो वाह कितना बड़ा भक्त है, एकदम विनम्र भक्त, सारे एकदम गिड़गिड़ाने को अपने को आपको बेच दो तो बड़ा भक्त हो। ठीक है विनम्रता चाहिए, लेकिन विनम्रता करते करते इतना ना गिड़गिड़ाओ, इतना नाक ना रगड़ो कि नाक ही समाप्त तो हो जाए। यही हो रहा है भगवान के नाम पर। तो साहब कहते हैं कि बाले ही बीस गावे ही दुल्हाई। बहुत से भक्त लोग अबोधि बालक बन करके और अपने को भगवान की पत्नी मानकर उसे अपना पति मानकर उससे मिलने के लिए गीत गा रहे हैं, और सिर्फ एक कुसंस्कार धर्म और भगवान के नाम पर भटकाव है। ते नर कहाँ गए जिन दिन हाँ गुरु घोट, राम नाम निजान के छाड़ देहु वस्तु खोट। साहब कहते हैं ये बताओ उन मनुष्यों की स्थिति कहाँ हुई, वे लोग कहाँ गए जिन दिन हाँ गुरु घोट, जिन लोगों को उनके गुरुओं ने कल्पित ईश्वर की चाशनी घोट घोट करके पिला दी थी। नाना मत के गुरुओं के पास जाओ तो क्या कहते हैं, बेटा पुकारते रहो भगवान को, नाम जपते रहो, गिड़गिड़ाते रहो, प्रार्थना करते रहो, कभूक दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, अरे कभी ना कभी तो उसके कान में भनक पड़ेगी पड़ेगी। भगवान के दरबार में देर भले है अंधेर नहीं है, पुकारते रहोगे पुकारते रहोगे तो जरूर मिलेगा। देखो ध्रुव को मिला, प्रहलाद को मिला, वेश्या को उतार दिया, पापी को फलाने पापी को उतार दिया, कसाई को उतार दिया,
वो तुम्हें क्यों नहीं उतारेगा। इस प्रकार से भगवान भक्ति की चाशनी घोंट घोंट करके जिन गुरुओं ने अपने भक्तों को पिलाई थी, उन भक्तों की दशा कहाँ हुई है? उन भक्तों लोग कहाँ गए? क्या दशा हुई उनकी? कितना पुकारो, कितना पुकारो, कितना पुकारो, कोई ऐसा भगवान नहीं बैठा है जो आकर के दर्शन दे। प्रार्थना, पूजा, विनम्रता, ये सब अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन एक सीमा में ही ठीक है। किसी की अति जब होती है तो वो भटकाव का कारण बनता है। साहब कहते हैं, राम नाम ने जाड़ के छाड़ दे वस्तु खोर, कहीं बाहर न पुकारो। तुम्हारा राम, तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा भगवान कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ है। राम नाम ने जान के, राम ऐसा नाम अपना जानकर, नीच का जानकर, छाड़ दे वस्तु खोट, खोटी वस्तु, अपने से भिन्न ईश्वर परमात्मा की कल्पना का त्याग कर दो। जब तक बाहरी ईश्वर ब्रह्म परमात्मा मिलने की कल्पना, भ्रांति दूर नहीं होगी, तब तक आत्मबोध नहीं हो सकता और तब तक पूर्ण कल्याण नहीं हो सकता। कब तक भटकोगे? इसलिए साहब कहते हैं, अपने से अलग जो कुछ तुमने देवी देवता ईश्वर ब्रह्म परमात्मा की फौज खड़ी करते हुए सब के सब खोटी वस्तु है, उसे तुम्हारा काम नहीं बनेगा, इसलिए उन सब का त्याग कर दो। और राम तुम्हारा अपना ही आपा है, तुम्हारा अपना स्वरूप है, इसलिए उस अपने आप के स्वरूप को ही जानो और उसमें स्थिति बनाओ। बस।